now moving to the most interesting part in my favorite part in statistics you remember what are the goals of science or what are the goals of psychology yes the two major goals of psychology or science is a prediction and control because we being psychologists claim that we can predict and then if we can predict we can control as well so how we can predict prediction kill. कोरिलेशन बेसिस है अगर किन्नी भी दो चीजों में कोरिलेशन है तो हम एक की मौजूदगी में दूसरे को प्रडिक्ट कर सकते हैं मसलन अगर स्मोकिंग और हेल्थ में देयर इज अ स्ट्रोंग रिलेशनशिप स्ट्रोंग का मतलब है कि कोरिलेशन को इज हाई तो हम प्रडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ एक्सेसिव स्मोकिंग वुड लीड टू बैड हेल्थ या इसी तरह से अगर स्टडिंग आवर्स कितने घंटे बच्चा पढ़ता है और इसमें और बच्चे के फाइनल जीपीए में कोई कोरिलेशन रिलेशन स्ट्रांग है तो हम प्रडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक बच्चा तीन घंटे पढ़ेगा तो उसका इतना जी पी ए आएगा सो को रिलेशन बेसिकली अलाउज अस टू प्रोडिक्ट फॉर द फ्यूचर टू प्रोडिक्ट फॉर द अननोन सो हम क्या करते हैं फर्स्ट करें जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं फॉर एक्स एंड वाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल हमारा एस ए टी स्कोर है और हमारी जो वाई वेरिएबल है वो जी पी ए है हमारा हम प्रोडिक्ट करना चाहते हैं कि अगर एक बच्चे को हमने कॉलेज में एडमिशन उसके एस ए टी स्कोरस की बेस पे दिया है तो उसका कितना जी पी आएगा तो टू फाइंड आउट और टू प्रोडिक्ट दिस फर्स्ट वी नीड टू नो कि दोनों वेरिएबल्स रिलेट कैसे करें वी शुड हैव प्रायर डेटा ऑन इट फर्स्ट करें कि मेरे पास जो तो पुराना डेटा है वो ये शो कर रहा है कि अगर फर्स्ट करें एस एस आई टी का टेस्ट फोर हंड्रेड है फाइव हंड्रेड है सिक्स हंड्रेड है या सेवन हंड्रेड है सो so, फोर फाइव सिक्स सेवन और इधर हमारा जी पी ए है वन टू थ्री एंड फोर और मेरे पास कोरिलेशन इस तरह से है यानी इट इज़ स्ट्रोंग पॉजिटिव कोरलेसन बिकॉज द डॉट्स टेन टू फॉर्म अ लाइन तो क्या हम करते हैं कि जब हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो हमारे डेटा के अंदर डॉट्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि कोरिलेशन किस तरह से है एंड द टेन टू फॉर्म अ लाइन तो हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो यूज करते हैं टू फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम इसके ऊपर एक एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बेस्ट डेटा को डिस्क्राइब करे या डेटा को कैप्चर करे जैसे अगर फर्ज करें ये डॉट्स हैं चले मैं चार पाँच ही लगा के देखती हूँ अब इन डॉट्स के ऊपर लाइन ऐसे भी लग सकती है लाइन ऐसे भी लग सकती है लाइन ऐसे भी लग सकती है लेकिन रिग्रेशन इज अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक जो क्या करता है कि वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करता है आपके डेटा में जो कॉरेशन है एक्स और वाई के अंदर उस कैटर प्लॉट के ऊपर सारे डॉट्स को मद्देनजर रखते हुए दैट ड्रॉज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट और उस बेस्ट फिट को जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी मदद से फिर हम उसके ऊपर प्रोडिक्शन करते हैं कैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है और ये एक्चुअल डेटा है स्कोर्स का विच इज टेलिंग मी के हाई uh, कोरलेशन uh, है दोनों के बीच में कि अगर एस टी पे स्कोर अच्छा है तो उसका फाइनल जीपीए भी बच्चे का अच्छा ही आएगा फॉर इंस्टेंस यूजिंग रिग्रेशन वी ड्रॉ अ लाइन और वो लाइन इस तरह से आई अब मैं प्रोडिक्ट कर सकती हूँ कि जिस बच्चे का फर्स्ट करें एस के अंदर 700 स्कोर है उसका जी कितना आएगा उसका जीपीए ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट सेवन आएगा सो वी हैव अरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी यूज रिग्रेशन वेयर वी यूज अ स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर

और बड़ी मजेदार चीज है प्रोडिक्शन क्यों क्योंकि वाकई साइकोलॉजी के अंदर थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू रिसर्च मोस्ट ऑफ द टाइम हम को से ऊपर चलते हैं और हम प्रोडिक्ट करना चाहते हैं कि अगर ये चीजें गिवन हो डेटा के अंदर तो वाई वेरिएबल में वी uh, प्रोडिक्शन तो उसके लिए करने के लिए वी यूज रिग्रेशन ड्रॉन इन स्केटर प्लॉट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और ये मैंने एग्जाम्पल वही जो आपको दी है एस ए टी और जीपीए की सो so, ये हमारे पास एड स्कोरस हैं और ये हमारे पास जी है ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है सो द डॉट्स एक्चुअली आर इंडिकेटिंग द ओरिजिनल डेटा और उसके ऊपर हमने रिग्रेशन को यूज करते हुए ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की है लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब है कि ये मोस्ट ऑफ द डेटा को कैप्चर करके एक्सप्लेन कर रहा है और ये ड्रॉ करता है लाइन वहां पे जहाँ पे हमारी एरर कम से कम हो एरर क्या होती है एरर हमारी होती है कि जब हम फर्ज करें हमने देखना है कि जिस बच्चे कि 600 के 600 नंबर हैं सैट के ऊपर उसका जीपीए कितना आएगा सो so, अब आप अगर ये देखेंगे ये स्कोर तो एग्जैक्टली इसके ऊपर है बट दिस स्कोर एक्चुअली रियल डेटा के अंदर 600 है लेकिन उसका जीपीए पी ए से नीचे है जबकि इसका जीपीए ऊपर है इसी तरह ये भी स्कोर आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट से अवे है सो so, एरर का मतलब है कि प्रोडिक्शन हमारी कभी भी हंड्रेड नहीं होती बल्कि प्रोडिक्शन के अंदर हम गेस्ट uh, देते हैं अपना बेस्ट एस्टिमेट देते हैं सो द डिफरेंस बिटवीन प्रडिक्टेड एंड एक्चुअल स्कोर्स इज नोन एज एर हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे वन बाई वन लेकिन अभी सिर्फ इतना जाने कि ये हमारे पास एक कोरलेशन का डेटा और उसकी मदद से हम स्टिस्टिकल टेक्निक पे जाते हैं जो कि रिग्रेशन है और फिर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिर ड्रॉ करते हैं और उसकी मदद से फिर हम एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल प्रोडिक्ट uh, कर सकते हैं सो द रिग्रेशन इज़ अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर फाइंडिंग द बेस्ट पटिंग स्ट्रेट लाइन फॉर अ सेट ऑफ डेटा इस कॉल्ड रिग्रेशन और रिजल्टिंग लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन लीनियर ड्रॉ की है वो हमें रिग्रेशन लाइन कहते हैं रिग्रेशन लाइन हमेशा लीनियर हम रिलेशनशिप देखते हैं क्योंकि हम उसको स्ट्रेट लाइन के ऊपर फाइंड आउट करते हैं तो जो हम इक्वेन यूज़ करेंगे आगे चल के वो लीनियर होगी यानी हम अगर वो यूज़ करें तो हमारे सारे प्रडिक्टेड स्कोर्स एक लाइन के ऊपर आएंगे तो आ, इसके बारे में हम भी बात करेंगे इसकी इक्वेशन जो हमारी है रिग्रेशन लाइन की क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमारी y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए इसको बहुत सारी किताबों में a प्लस बी एक्स भी लिखा होता है इज इट वन एंड सेम थिंग सो x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमने इसके साथ y प्रडिक्ट करना होता है तो y प्रडिक्ट करने के लिए a और b हमारे पास दो क्वाफिशेंट्स होते हैं Uh, जो कि कांस्टेंट होते हैं सो so ए और बी क्वाफिशियंट्स हमारे uh, जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली जो बी कोफिशंट है वो हमारी स्लोप ऑफ द लाइन डिटर्मिन करता है स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब है जैसे फर्ज करें ये हमारी लाइन है स्लोप का मतलब है कि कितने यूनिट इंक्रीज एक्स वेरिएबल में है उसके नतीजे में वाई कितना चेंज होगा या इसी को अगर मैं छोटे स्केल पे करूं फर्ज करें ये वन टू थ्री फोर है तो इसका मतलब है कि वन यूनिट चेंज इन वाई विच इज़ थ्री से टू से और कितने यूनिट चेंज लेकर के आएगी एक्स वेरिएबल में तो दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अगर वन यूनिट हम इसमें चेंज करें इसको मैं और क्लियरली ड्रॉ कर देते हैं सो वन टू थ्री फोर सो अगर मैं थ्री से टू तक ये लाइन ड्रॉ करूँ ये थ्री से टू तक तो अगर हमारी वन यूनिट चेंज इन वाई वेरिएबल एक्स के अंदर कितना चेंज लेके इसको हम स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं सो so स्लोप हमें प्रडिक्शन में हेल्प ये करती है कि हम एक्स में कितनी चेंज आएगी तो वाई में कितनी चेंज आएगी जिसकी वजह से हम प्रडिक्शन देते हैं और एक कोफिशियन जो होता है दैट इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमारी एक्स की लाइन क्रॉस कहाँ पे कर रही वाई को यानी फर्श करें अगर हमारे पास ये है तो दिस इज ए क्विशंट यानी वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का क्या फायदा होता है वाई इंटरसेप्ट हमें बताता है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई की वैल्यू कितनी होगी सो so अगर फर्ज करें इस केस के अंदर जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है आ, आपकी अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई भी जीरो है क्योंकि तो इसका इंटरसेप्ट ये है लेकिन जो मैंने ये केस बनाया है इसके अंदर अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो हमारा वाई कितना है वाई में भी यहाँ पे वन है या टू है whatever एवर इट इज सो वी हैव अ ए क्वाफिशेंट विच इज़ अ कॉन्स्टेंट वी हैव अ बी क्वाफिशेंट हम इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हैं बी इज स्लोप ऑफ लाइन एंड ए इज़ द वाई इंटरसेप्ट और ये हमें दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी